नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका टाइम टेबल आएगा, वो सारा कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि जो सोर्स है वो हमारा ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। हालांकि हम इसको ऑफिशियल तो नहीं मान सकते, लेकिन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी के आसपास आपके एग्जाम्स यानी कि सेमेस्टर एग्जाम्स शुरू हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे जो भी इस पेपर में लिखा हुआ है, पूरा कंक्लूड करके जो बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझनी है हम बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो हालांकि सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई थी, इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है इसको जरा हम यहाँ पे देख के पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होंगे 2 लाख परीक्षार्थी। ध्यान से समझिएगा, सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होंगे लगभग 2 लाख परीक्षार्थी। यहाँ पे काशी विद्यापीठ में लगभग सेमेस्टर यानी कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, ठीक है, उसमें लगभग 2 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी शामिल होंगे। लिखा क्या है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की बैक परीक्षा यानी कि जिनका बैक लगा हुआ था उनका एग्जाम जो है 27 तारीख से एग्जाम उनका शुरू होने वाला है। बैक एग्जाम उनका 27 जो है जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, तो आगे ये भी लिखा हुआ है कि वही दूसरी और स्नातक प्रथम तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 फरवरी से कराने का निर्णय लिया गया है। 5 जिलों में करीब 2 लाख परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होंगे। टाइम टेबल 8 फरवरी तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 10 फरवरी तक होने की संभावना है। प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन भी जारी है, यानी कि मॉडरेशन का मतलब होता है प्रश्न पत्र बनने तैयार हो गए हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र जनपद के संबद्ध कॉलेजों में से प्रथम सेमेस्टर का कोर्स 31 जनवरी तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है ताकि समय से परीक्षाएं शुरू हो सके। आगे क्या लिखा है कि बैक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की बैक परीक्षाएं 27 जनवरी से 2 पालियों में होंगी। 30,000 परीक्षार्थियों के लिए 5 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। विद्यापीठ प्रशासन ने बैक परीक्षा का प्रवेश पत्र शनिवार को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बैक व अंक सुधार की परीक्षाएं 1.5 घंटे की ही होंगी। ठीक है, अब आज की इस पूरे जो है ये जो पूरा न्यूज़पेपर का जो कटिंग है इसमें जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप सबको समझना चाहिए, वो समझना ये है कि यहाँ पे काशी विद्यापीठ का जो बैक एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब बैक एग्ज़ाम जिनका भी हुआ था, बैक एग्ज़ाम जो है 27 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। ठीक, इसका टाइम टेबल तो आ गया था और इसका अब प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड भी आ गया है। 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी जिनका बैक लगा था, जो लोग इनका बैक लगाते हैं या फिर जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल किया था। अब आ जाती है जो हमारे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र जिनका 1 साल कम्प्लीट हो चुका है, जो लोग थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब हो सकता है? ठीक है, तो एक जो एक्सपेक्टेड डेट है जो यहाँ बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि जो है स्नातक, यानी कि स्नातक का मतलब क्या होता है, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपके बीए बीएससी बीकॉम आते हैं, आफ्टर 10+2 अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं उसको हम लोग यूजी बोलते हैं। तो यूजी का जो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो एक एक्सपेक्टेड डेट है, वो एक एक्सपेक्टेड डेट है कि वो कब से शुरू हो सकता है, 20 फरवरी से। ठीक है, 20 फरवरी से एक इंटेंटिव डेट कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट है, नॉट श्योर क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तकरीबन इसमें 5 जिलों को मिलाकर के 2 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे सेमेस्टर एग्जाम में। टाइम टेबल कब तक आ सकता है, 8 फरवरी यहाँ बताया जा रहा है, यानी कि 8 फरवरी को आपका जो है टाइम टेबल आने की संभावना है। हालांकि जैसे टाइम टेबल आएगा तुरंत हम आपको इस चैनल पर अपडेट करेंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, हर एक अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। अब आगे यह भी लिखा है कि वही परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण होगा वो 10 फरवरी तक कर दिया जाएगा और प्रश्न पत्रों का जो मॉडरेशन है, मॉडरेशन का मतलब कि प्रश्न पत्रों को प्रिपेयर करना, वो शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ पे प्रश्न ये उठता है जो है, हाँ एक चीज़ और है जो काशी विद्यापीठ की जो प्रशासन है
उन्होंने क्या कहा है सभी विश्वविद्यालयों से कि आप लोग 31 जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखने के बाद हालांकि काफ़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही नया सत्र शुरू हुआ है, तो इतना जल्दी एग्जाम कैसे हो सकता है। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि ये फरवरी के आखिर में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू होगा, बिकॉज दोस्तों इतना जल्दी शुरू होना संभव नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस की बात करें तो अभी जनवरी से ही सत्र शुरू हुआ है, तो एक महीने में मुझे नहीं लगता है कि कोर्स कोई कंप्लीट करा पाएगा। हालांकि दोस्तों जहां तक हमने एक प्रेडिक्ट किया हुआ है, जो हमारा एक्सपेक्टेड डेट है, हम मान के चल रहे हैं, हालांकि 20 यहां पे एक डेट तो आ गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम होगा भी तो आपका फरवरी के एंड में एग्जाम शुरू हो सकता है। किसका? फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर या फिर आपका मार्च, यानी कि मार्च के आपका फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। हो सकता है कि सेकेंड मार्च में भी जा सकता है, हालांकि काशी विद्यापीठ कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड डेट है। अब बात आती है जो हमारे पीजी के एस्पिरेंट है, यानी कि पीजी का मतलब क्या हुआ, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर यूजी, ठीक है। तो पीजी का जो जहां तक हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, तो आपका भी एग्जाम मार्च में हो सकता है, हालांकि कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से आती है तो डीएनएस आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।